अलवर जिले में 2 अप्रैल को दलित समाज द्वारा किए गए भारत बंद के दौरान अनेक हिंसक घटनाएं सामने आई थी। उसके जवाब में सोशल मीडिया पर 10 अप्रैल को भारत बंद का ऐलान किया गया। हालांकि कोई संगठन सामने नहीं आया, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर फिर किसी तरह की कोई घटना ना हो इसके लिए जिला स्तर पर माकूल सुरक्षा व्यवस्था की गई। पिछले दिनों हुए भारत बंद के दौरान अलवर सुर्खियों में रहा। खैरतल कस्बे में पुलिस की गोली से एक प्रदर्शनकारी युवक पवन जाटव की मौत हो गई थी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने खैरतल और अलवर के एनईबी थाने में आग भी लगा दी थी। इसके साथ ही अनेकों जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। वहीं सोशल मीडिया पर चले वायरल मैसेज में 10 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया गया। हालांकि इसकी जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से अलवर जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की। वहीं स्वयं एसपी राहुल प्रकाश ने जाप्ते के साथ फ्लैग मार्च किया। हालांकि अलवर में बंद का कोई असर नहीं देखा गया। वहीं मंगलवार होने की वजह से अधिकांश दुकानें स्वतः ही बंद रही और व्यापारी संगठनों ने बंद का विरोध भी किया। जिले में कहीं कहीं बंद का असर नजर आया तो कहीं बंद बेअसर भी था। वहीं खैरतल थाना अधिकारी जितेंद्र यादव ने बताया कि कस्बे में पूर्णतः शांति का माहौल है। सभी ने अपने बाजार खोल रखे हैं। हर चौराहे पर पुलिस की पूर्ण व्यवस्था है। दिल्ली से भी फोर्स बुलाई गई है। पुलिस की पूरे कस्बे पर नजर है। कस्बा खैरतल में दो जवान पीडीएस अलवर से, एक सीआरपीएफ कंपनी तैनात की गई। चप्पे चप्पे पुलिस है। मार्केट किसी भी कंडीशन में बंद नहीं है और न होने दिया जाएगा। सब जगह शांतिपूर्वक मार्केट खुला हुआ। मेन क्या दिया गया जिस पे घटना होने की आशंका बनी हुई है? घटना होने की अभी तक कोई आशंका बनी हुई नहीं है। सभी व्यापारी वर्गों ने सभी आम लोगों को और पुलिस प्रशासन को समर्थन दिया है, आश्वासन दिया कि मार्केट बंद नहीं होगा। कितने जवान अपना यहाँ अपने मौजूद लगाए हैं? अभी तक 100 जवान पीटीएस अलवर से हैं और एक पूरी सीआरपीएफ की कंपनी और सर्कल का जाब्ता पूरा तैनात है। उधर टपुकड़ा कस्बे में भी भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला। व्यापारियों ने रोजाना की तरह अपनी दुकानें खुली रखी। पुलिस प्रशासन की ओर से कस्बे में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रही। वहीं थाना प्रभारी राजेश कुमार ने कस्बे में गश्त की। वहीं रामगढ़ में भी बाजार रोजाना की तरह खुले और भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला। यहां पर सुबह व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले और बाजारों में पुलिस जाब्ता गश्त कर रहा था और वहीं किसी तरह के बंद को लेकर कोई प्रदर्शन सामने भी नहीं आया। लेकिन राजगढ़ कस्बे में बाजार पूर्णतः बंद रहे। संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष हेम सिंह आर्य ने बताया कि कस्बे के सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं और अपनी एकता के बारे में संदेश दिया है। वहीं किसी अप्रिय घटना न होने के लिए प्रशासन की ओर से पुलिस की ओर चाक चौबंद व्यवस्था है और पुलिस उपाधीक्षक तारा चंद और थानाधिकारी रमेश चंद सिनसिनवार ने गश्त की। और अपने जनरल ओबीसी सभी जो है सबने जो है अपने आप ही स्वैच्छिक जो है बंद रखा है। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं, किसी संस्था का कोई आह्वान नहीं, कुछ नहीं। अपने आप लोगों ने स्वेच्छा से अपनी जो है उससे मर्जी से जो है बंद रखा है। और इस तरह ये पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, बहुत शानदार व्यवस्था है। पुलिस बार बार गश्त कर रही है। किसी तरह का कोई दूर दूर तक कोई न्यूसेंस नहीं है। किसी भी तरह का सब स्वेच्छा से अपने आप बंद किया, बिना किसी मंच के, बिना किसी आह्वान। उधर कठुमर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST एक्ट में किए गए संशोधन के समर्थन में व्यापारियों ने बंद रखा। हालांकि बंद का नेतृत्व किसी संगठन ने नहीं किया। वहीं व्यापारियों ने स्वेच्छा से दुकानें बंद रखी। इस दौरान रोडवेज और निजी बसें न चलने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बाजारों में पुलिस की टुकड़ियां गश्त करती हुई नजर आई। और बांसुर में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर भारत बंद का समर्थन किया। अनाज मंडी में भी कामकाज ठप रहा और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। प्रशासन की तरफ से बांसुर SDM दीनानाथ बब्बल और तहसीलदार सत्यनारायण छीपा सहित बांसुर थाना अधिकारी मनोहर लाल मीणा ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कस्बे में गश्त की और जायजा लिया। उसके समर्थन में स्वयं व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से बांसुर बंद का आह्वान किया है। वो स्वयं अपनी इच्छा से कर रहे हैं, किसी का दबाव नहीं है। 2 तारीख को बांसुर में तथा आसपास के शहरों में जो लूटपाट आगजनी घटना घटी है उसके विरोध में स्वेच्छा से आज व्यापारी अपना बांसुर बंद कर रहे हैं। इन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। स्वेच्छा से जो बाजार बंद किया गया है ये एक रोष है।
आज जो 2 तारीख को प्रशासन ने मुस्तैदी नहीं दिखाई तथा प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया तथा गरीब व्यापारियों के साथ में लूट खसोट की गई है, उसके समर्थन में आज बानसूर में पूरा बानसूर अपनी स्वेच्छा से व्यापारियों ने बंद रखा है। वहीं गोविंदगढ़ में आरक्षण के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद को लेकर पुलिस प्रशासन इस बार विशेष सतर्कता बरत रहा है। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी को लेकर गोविंदगढ़ कस्बे के बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा। सुबह से ही कस्बे के व्यापारियों ने आरक्षण के विरोध में अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया और किसी ने भी अपनी दुकानें नहीं खोली। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। दो अप्रैल की तरह किसी तरह की कोई अप्रिय घटना दोबारा ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस कई जगह तैनात रही और धारा 144 लगे होने के कारण लोगों को एक जगह इकट्ठा होने नहीं दिया गया। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में भी भारत बंद पूर्णतः सफल रहा। हालांकि बंद का किसी भी संगठन ने कोई आह्वान नहीं किया था, लेकिन फिर भी कस्बे के दुकानदारों ने व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर 2 अप्रैल को दलित आंदोलन का विरोध जताया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे कस्बे में गश्त करते रहे।